जिला बिलासपुर के तहत नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के तहत लगभग 20 वर्ष पहले बनाई गई नमहोल से डावर सड़क के कुछ हिस्से में आई जमीन का संबंधित विवाद पैदा हो गया है। इस इलाके के रहने वाले एक युवक ने राज्य सरकार को शिकायत लिखकर जांच की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि तत्कालीन राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग व वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने मिलीभगत कर वन विभाग की जमीन से सड़क निर्माण कर दिया और इस जमीन को कुछ ग्रामीणों की निजी भूमि दिखाते हुए उन्हें करोड़ों रुपए का सरकार से मुआवजा दिला दिया गया है। अब तक लगभग 2 करोड़ रुपए इन लोगों को दिए जा चुके हैं। शिकायतकर्ता हेमंत कुमार ने बताया कि जो सड़क काटल गांव के लिए गई है वो जमीन सरकारी है और वो गांव के लोगों का पशु चराने का साधन था। उस जमीन को लोगों ने अपनी कहकर सरकार से मुआवजा ले लिया। उनकी जमीन कहीं और है। शिकायतकर्ता ने 2-3 बार 1100 नंबर पर भी शिकायत की है, लेकिन वहां से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और विजिलेंस विभाग को भी शिकायत की है, परंतु अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले कल नमहोल पटवार वृत्त से पटवारी कानगो और वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड DFO और वन विभाग का कानगो मौके पर गए थे। उन्होंने सरकारी जमीन के साथ लगते बन्नेदार बुलाए और जमीन की नबाई की, लेकिन पक्के निशान नहीं लगाए। शिकायतकर्ता का कहना है कि जो सड़क काटल गांव से डाबर तक निकली है, करीब 1.5 किलोमीटर तक सड़क गांव का चरान था, जिसका लोगों ने मुआवजा ले लिया है और उन लोगों ने सरकारी भूमि पर अपनी गौशाला व टैंक बना रखे हैं। शिकायतकर्ता को अब हर दिन वो लोग धमकियां भी देते हैं और उन्हें जान से मारने का खतरा है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी आज दिन तक चली ही है। कुछ मेरी L4 के द्वारा बंद कर दी गई है, कुछ विजिलेंस में चली है। SDM साहब को ऑर्डर हुए हैं, ये हमारे पास क्या नाम है, कि आप उचित कार्रवाई करिए और 1 महीने के अंदर अंदर जो है इसका जो है निष्कर्ष निकाला जाए, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी ना प्रशासन साथ दे रहा है, ना सरकार गवर्नमेंट क्या नाम साथ दे रही है। कम से कम 9 कंप्लेंटें मेरी जो है ऑनलाइन है और मैंने ये प्रिंट निकाले हैं, और एक की भी आज दिन तक कोई भी कंप्लेंट जो है पूरी नहीं हुई और ना ही इन्होंने कोई जवाबदेही दी है। जवाबदेही में कभी L4 द्वारा बंद कर दी जाती है, कभी L2 L1 के द्वारा बंद कर दी जाती है, और एक ही तथ्य से जुड़ी है ये सारी जानकारी, एक ही चीज से जुड़ी हुई 9 कंप्लेंटें हैं और मुझे मतलब कंप्लेंटों के ऊपर कंप्लेंटें करने पड़ रही है। और इससे ना ना कोई सरकार 1100 में और सोशल मीडिया में मैंने इस चीज को उजागर भी किया है और बताया भी है, और लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो हमारी जो सरकार है, मुझे उम्मीद है कि इसका निष्कर्ष निकाला जाए और जो भी हमारे जैसे SDM साहब को ऑर्डर हुए हैं, यहाँ हमारे कानगो साहब गए, पहले भी गए फॉरेस्ट वालों के साथ गए, तो उन्होंने वहाँ पे उतरते हुए बोला कि यहाँ हिंदुस्तान है, सब कुछ जायज होता है। उस दिन कोई निशानदेही नहीं हुई, सरसरी इन्होंने लिख के दे दिया कि कंप्लेंट बंद हो। एक दिन गए फिर से, इन्होंने जितना भी टोटल हमारे बन्नेदार थे उनकी जमीन मापी, सिर्फ जो मापनी थी और जिसकी कंप्लेंट थी वो इन्होंने मापी नहीं, ना पक्की मतलब कोई क्या नाम लिए। इन्होंने बन्नेदारों के सिग्नेचर किए और मेरे सिग्नेचर चाह रहे थे कि ये सिग्नेचर कर दे, कंप्लेंट बंद करनी है हमने। तो इसलिए मुझे इंक्वायरी चाहिए इस चीज़ की। विजिलेंस में 81/86 के तहत संजय कुंडू जी के पास ही भी ये शिमला में इसकी कंप्लेंट है और फाइल है, और DSP साहब के पास भी, और इन्होंने जितने भी अपने दस्तावेज दिए हैं PWD वालों ने, वो झूठे दस्तावेज दिए हैं विजिलेंस वालों के पास। जहां से इनको कम्युनिकेशन मिला है, जो सरकारी कार्रवाई थी वही जवाब दे दी है इन्होंने, लेकिन यथावत जो चीज है वो सरकारी जगह में गई है और 90 डिग्री में जो है इन्होंने रोड उतारा है। हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि 90 डिग्री में कोई गाड़ी उतार सकता है? 90 डिग्री में अगर रोड उतरा है तो इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? अगर ग्रेड में गया है तो सरकारी चनान में गया है तो फॉरेस्ट वाले क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं इस चीज का कि हमारी जमीन में ये जो है, जो हमारा डबर और नहोल टू डबर जो रोड गया है और जो लोगों के लिए पैसा दिया गया है करोड़ों रुपए, उस मतलब सही तरीके से दिया है या ना दिया है, इस चीज की कार्रवाई 6 महीने से चली है। और इस चीज को बंद करने के लिए मेरे ऊपर दबाव भी डाला जा रहा है, कई बार तो मुझे इन्होंने मतलब थ्रेडिंग भी अंदरूनी मतलब जैसे क्या नाम होते हैं कि ऐसा हो जाएगा लोगों के जरिए, जी ऐसा हो जाएगा, तेरे को ऐसा कर देंगे ये लोग, तेरे को वैसा कर देंगे, मतलब किसी ना किसी तरह से जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। परहैप्स हो सकता है कि ये तुझे मुरवा भी सकते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए मिला है जिनको,
जिन आदमियों की बिल्कुल 1 इंच जमीन नहीं गई है और करोड़ों रुपए मिला है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, इस चीज को यथावत स्थिति को देखा जाए। एसडीएम साहब को ये ऑर्डर हुए हैं, और मैं गुजारिश करता हूँ एसडीएम साहब से भी कि इस चीज को जो है इसका निवारण किया जाए। वही बिलासपुर सदर एसडीएम रामेश्वर दास ने बताया कि नम्होल डावर सड़क के संबंध में शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से आई है। अधिकारियों को जल्द से जल्द जांच के आदेश दिए गए हैं और रिपोर्ट मांगी गई है। मैंने तहसीलदार को ये आदेश दे रखे हैं जो इस कंप्लेंट की गहन छानबीन करके मुझे 2 दिन के भीतर रिपोर्ट करके दें, ताकि मैं सीएम हेल्पलाइन में अपना जवाब दायर कर सकूं।